उल्लू टीवी से राजीव, आजमगढ़ से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, ये वही जगह है जहां पर मेरा दूसरा वीडियो वायरल हो गया और इस देश के मर्द मुझे जान गए। परीक्षा का नाम बताइए, कौन सी परीक्षा हो रही है? इस परीक्षा को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? सहायक अध्यापक भर्ती। कितना पैसा लगा आपको फॉर्म भरने में? फॉर्म भरने में 650 रुपया लगा। 650 रुपया लगा। क्या आपको मालूम है कि कुछ सेंटर ऐसे हैं जहां नकल हो रहे हैं पैसा लेके और आपकी मेहनत बेकार हो सकती है? आप लोग इस बात सकते हैं नहीं, अगर कर नहीं सकते हैं बताइए तो आपकी मेहनत तो बेकार चली जाएगी। दो कौड़ी के हिजड़े पैसा दे के नकल मार लेंगे और फिर बताइए आपके साथ अन्याय नहीं होगा क्या? परीक्षा आज की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे यार, इससे पहले भी परीक्षा हुई थी, अभी टेट की हुई थी और उसमें कुछ ऐसे सेंटर थे जहाँ पैसा लेके पता चला है कि नकल उन्होंने कराया। अगर आप इसका विरोध नहीं करेंगे, पता नहीं चलेगा ऐसे चूतियों का, तो आपके साथ धोखा होगा ना? तो मैं इसमें बलिया का कोई है? बलिया का सर मंगल पांडे के गांव का नाम बताइए। मंगल पांडे गांव का नहीं पता। बलिया का और कौन है? अब कोई हंसवा नहीं उठेगा। बलिया नगवा है। नगवा, कंफर्म। चलिए, कभी नगवा में जरूर आऊंगा। मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की धरती से 70-80 सालों में सारा क्रांतिकारी पैदा नहीं हो सका और इसी का परिणाम स्वरूप है कि इस देश में आज भी 70 सालों से सिर्फ अगर कुछ बदला है तो शोषण का तरीका। 70 सालों में अगर कुछ बदला है तो सिर्फ और सिर्फ शोषण का तरीका, और शोषण वही होता है जहां के लोग नामर्द होते हैं। गुलाम गुलाम होता है, गुलाम मर्द नहीं हो सकता है। गलत की सही? सही बात भैया, बिल्कुल सही है। गुलामी की आदत पड़ चुकी है साली हम लोग के अंदर। उल्लू टीवी देखिए, अगर मर्द बनना है तो उल्लू टीवी फेसबुक यूट्यूब कहीं भी जाइए, खोलिए, देखिए। खबर के इस बात के प्रायोजक थे जुसा डायमंड जोली पुरानी कोतवाली आजमगढ़ जौनपुर। कोई कोई मऊ का भी है? मऊ बलिया, मऊ का कोई है? नहीं। चलिए लगाया यार, इसको सीधा किया कि नहीं ये बताइए कि ये टीचर बनाने की जो प्रक्रिया है ये बदलनी चाहिए कि इसी तरह से होनी चाहिए? बदलनी चाहिए है? बदलनी चाहिए। अच्छा भैया, टीचर बनाने की जो टीचर जो बनाने की ये प्रक्रिया है, इससे आप संतुष्ट हैं? ये प्रश्न केवल मैं स्क्रीन पे जो है उन्हीं से नहीं पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ। और इधर देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी अपने पेरेंट्स से साथ आए हैं। इस ठंड में बच्चों को क्यों लाया भाई, परेशान किए? गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? आप लोग कहाँ से हैं? मऊ से। अच्छा, मऊ से। चलिए, मऊ मेरे बड़े पापा रहते हैं। चलिए, स्वागत है आप लोगों का ठंड में। चलिए, ये प्रश्न केवल उससे नहीं है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये प्रश्न पूरे देश से है। भाई साहब, टीचर बनाने का तरीका बदलना चाहिए या नहीं? थोड़ा भी इधर आ जाओ। ये तरीका मुझे लगता है घटिया है, सही टीचर इस तरह से नहीं बन पा रहे हैं। नहीं बन पा रहे हैं। तो आपका ओपिनियन क्या है? मैं तो एकदम गलत लग रहा है भाई, इस तरह से टीचर है वो बेकार है एकदम। अगर वो बेकार ना होते तो हम लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों भागते? बोलिए भाई साहब, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ना नहीं चाहते? आपकी मानसिकता खराब हो गई, इसलिए नहीं पढ़ना चाहते। आपकी मानसिकता खराब हो गई है, जनता की मानसिकता खराब है। चलिए, मैं उल्लू टीवी से राजीव, आजमगढ़ से सबसे ये प्रश्न है, सब लोग उत्तर लिखिए, देखिए, अपना प्यार दीजिए और लाइक कमेंट और शेयर की ताकत समझिए। मर्द बनिए, मर्द।